सपा सुभाषपा का गठबंधन खत्म होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा, बीएसपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां मुसलमानों को डराकर वोट लेती हैं। सुभाषपा और समाजवादी पार्टी में अब गठबंधन टूट चुका है। बहुत मजबूत दोस्ती दिखाई दे रही थी 2-3 महीने पहले, लेकिन फिलहाल अब उसमें ब्रेकअप हो चुका है। सर, अब ब्रेकअप हो गया है, आगे क्या है? कि कोई पार्टी जो बनाई है, चल रही है, अपने दम पर लोग चलाते हैं, समय समय पे गठबंधन होते हैं, गठबंधन टूटते हैं। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोगों ने एक सोच तैयार की है, विचार विमर्श हो रहा है अपने विधायकों से, पार्टी के नेताओं से, मायावती जी से बात किया जाए। बहुजन समाज पार्टी 20% वोट उनका है और 38 से 42% वोट अति पिछड़ों का है। अगर ये इन्हीं को इकट्ठा करके इसमें से हम अगर 20% वोट हासिल कर लें, जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं, तो उनको अगर साथ ले लिया जाए तो हम आसानी से एक अच्छा रिजल्ट हम उत्तर प्रदेश में हम लोग दे सकते हैं। ये तो 2024 की प्लानिंग हुई। अखिलेश यादव ने एक गुलदस्ता, उन्होंने खुद कहा कि हम एक गुलदस्ता बना रहे हैं, उस गुलदस्ते के फूल तो धीरे धीरे निकल जा रहे हैं, और आप सलाह जो है बहुत ज़्यादा देते थे, ये भी कहा जा रहा था जो उनके साथ के लोग हैं वो लगातार ये बता रहे हैं, जो उनके आप जान रहे हैं कि जो लोग हैं। ठीक है, देखिए एक बात आपके प्रेस में अखिलेश जी ने कहा ना कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, बहुत सही कहा। इस बात को उनके चाचा भी सदन में भी बोले, विधानसभा में भी, अगर ये सलाह मान लिए होते तो मुख्यमंत्री होते। नहीं, आप तो नहीं सलाह दे रहे थे ना। नहीं, उनके चाचा भी अच्छी सलाह दे रहे थे, ऐसा नहीं है। उनके चाचा भी कह रहे थे कि जितने लोगों को साथ लेके चल रहे उनके सबको क्षेत्र में घुमाओ, इनको काम दो, काम करें। और जो पुराने मुलायम सिंह यादव जी के समय के पुराने लीडर हैं, उन लीडरों को भी तवज्जो दे कि उनको काम दो, वो भी उनको जिम्मेदारी दो। लेकिन उनको किनारे लगाने में, खाली समाजवादी पार्टी अपने पुराने नेताओं को किनारे लगाने में खुद किनारे लग गई। तो आजम खान ने कहा कि आप ही ऐसी से बाहर नहीं निकलते, आप अखिलेश यादव को कहते हैं ऐसी से बाहर नहीं निकलते। नहीं, देखिए आजमगढ़ की खबर है आपको, हमने काम किया, कोई के द्वारे ऐसी लगल हो, कोनो बगीचा में ऐसी लगल हो। 13 से 14 मीटिंग डेली हम लोग करते थे, कुर्ता पैजामा गंजी चड्डी सब भीग जाता था। कहने वाले लोग धरती पर आमे, हम बोल देंगे तो बुरा लगता है लोगों को। सरकार में थे जब पुलिस की भर्ती हो रही थी, तब मुसलमान नहीं दिखाई दे रहा था? जो राजभर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूं कि तब मुसलमान नहीं दिखाई दे रहा था? तब आपने क्यों नहीं हिस्सेदारी मांगी? 20% आबादी चिल्लाते हो ना, सुरक्षा की बात करते हो। जब तक मुसलमान थाने पर सिपाही नहीं होगा, दरोगा नहीं होगा, सीओ नहीं होगा, एसपीआरए नहीं होगा, एसपी नहीं होगा, आप उसकी क्या व्यवस्था की? 4 बार तेरी सरकार थी, बड़े पद पे आप लोग रहते थे, जलवा रहता था, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? खाली एक डर दिखाते, हाय भाजपा खा जाई, भाजपा खा जाई, भाजपा ली जाई, तो वो सोचते थे कि हो सकल ली लिया है, डरवा करके वोट लेते हो खाली। अरे भाजपा, बसपा, भाजपा तो मान लीजिए डरवाई रही है, ठीक है, बसपा, अरे सपा बसपा कांग्रेस तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों जब तक भाजपा का नाम न ले तब तक ये लोग का पटिए न चलिए। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है कि आने वाले वक्त में वो पहली प्राथमिकता बसपा को देंगे।